IVM. Kindly verization your headphones for 5.1 analog Dolby Digital surround soundular experience. जी हाँ, जिंदगी में सबका पिसके बनना है खीमा। परदेश की लीड एक्ट्रेस थी महिमा। जी हाँ, उनका हो क्या गया? लेकिन आजकल दिखती क्या कर रहे हैं आजकल? काफी दिखती नहीं, आई थिंक इनविजिबिलिटी बन गई है। हाँ जी हाँ, स्वागत है आपका सुनलो जी पर। हाँ जी। एक ऐसा शो जहाँ पर हम आपके सवालों को जवाबों में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा तुम ये फक अप करते हो, मैंने देखा है तुम कभी भी 50 एपिसोड हो चुके हैं, तुमने आज तक ये सही नहीं बोला है। सवाल को जवाब बनाएंगे, जवाब को सवाल कैसे बनाएंगे? जेपर्डी नहीं चल रहा है, अंग्रेजी शो देखना बंद करो तुम। मैं कर रहा हूँ कोशिश, तुम समझते नहीं हो। तुम यार पूरा दिन करते हो, मैं यहाँ पे एक घंटे के लिए आता हूँ साल में। एक्चुअली नहीं, तुम मजाक कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए एपिसोड। तुम तो पूरा दिन 500 शोज करते रहते हो। लेकिन और किसी शो में मुझे इतना उत्साही नहीं होना पड़ता, क्योंकि बाकी शोज में हम गीत माला गाते हैं, गजल गाते हैं, भगवान के प्रार्थना करते हैं। मैं भूल गया था कि तुम रात को 4 बजे एयर करते हो अपने शोज, जब आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या करे, हाय खुदकिस्मत और हाय पापी पेट और हाय हाय हाय। बस तुम सारा हिंदी एक ही सेंटेंस में नहीं झाड़ सकते, पता नहीं कितने वर्ड झाड़ दिए तुम्हें बिना मीनिंग के, तुमने कुछ भी बोल दिया। हेलो, प्लीज टू मेक योर मीटिंग, आई एम सोनू, रियलिटी सेलिब्रिटी, सून टू बी इंडियाज किम कार्डशियन। सब पागल हो जाते हैं जब मैं घर से निकालता हूँ वॉक पे अपना डैशियन। वो क्या होता है, मुझे बहुत ही, और कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। डैशियन होता है कुत्ता, राशन जैसे राशन। यस, एंड डैशियनलिटी की ब्रीड जो है बहुत ही कॉमनली बोलते हैं उसे सॉसेज वाला कुत्ता। जी हाँ, सॉसेज हमें बहुत पसंद है। नहीं, लेकिन पोर्क वाला सॉसेज नहीं खाते हम लोग, बीफ वाला भी नहीं खाते हैं। एक्चुअली चिकन भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चिकन तो खाए इंसान, तो क्या कौन सा सॉसेज खाए, क्या क्या चल रहा है। सॉसेज को तुम ऐसे लीश बना के बाहर वॉक पे लेके जा सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है इंडिया में। मैंने देखा था एक बार, वो एक बड़ा सा ऑक्टोपस सा कैरेक्टर था जो एक सॉसेज वाले कुत्ते को लेके घूम रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। चलो वीनी, हम वो वाला ऑक्टोपस। हाँ जी, ये मैंने देखा है शो, तुम घर पे बैठ के देखते रहते हो सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाते खाते। जी हाँ जी हाँ, पोगो पे आता रहे। अच्छा, पोगो जैसे दिखते भी हो, मैंने उसका लोगो देखा है। तुम अगर पोगो के ओज हटा दो और तुमको डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी देखो, मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। पतले हो कल मोटे हो जाओगे, फिर तुम्हें याद आएगा। नहीं, मैं पहले काफी मोटा हुआ करता था, फिर मैंने काफी हद तक सर्जरी करा दी जैसे सारे रियलिटी सेलिब्रिटी कराते हैं, और अब मैं फिट एंड फाइन हूँ। मेरे पास सिलिकॉन के एब्स है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हाथ लगा के देखा था जब तुम सोए थे। तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे एब्स को हाथ मत लगा करो, तुम रात को मेरा ब्यूटी स्लीप खराब कर रहे हो। अरे लेकिन हमें भी चाहिए ऐसे दिन है तो हम... हाँ, तुम हाथ लगा से नहीं बनेंगे, पैसे कमाओ और फिर जाके डॉक्टर से सर्जरी कराओ। ये एबाइजेशन ग्रो नहीं होते, ये एबाइजेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तकलीफ तुम्हें हो रही है, तुम मुझे देख नहीं पाते, तुम्हें घिन आती है, तो अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं सर्जरी करके बन जाऊंगा तुम्हारी तरह। देखिए, मैं तुम्हारी पूरी मादा तो कारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्पाइजेशन के लिए मैंने ये पूरा का पूरा फिक्टिशियस शो लिखा है। और इसी के साथ हम आज के कॉलर का स्वागत करते हैं। प्लीज, स्वागताइजेशन है आपका। हेलो हेलो, नमस्कार। यस, मेरा नाम स्प्रुहा है। हेलो स्प्रुहा। सोनू जी। हाँ जी, स्प्रुहा। हाँ जी, स्प्रुहा। हाँ स्प्रुहा, हस्ती कैसी है स्प्रुहा? नहीं, मैं ही करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। अच्छा। तो हमको सिखाया गया है कि लड़की ने ही करना चाहिए। नहीं नहीं, लड़की ही हा हा और लल्स भी कर सकती है। हाँ जी, आप अपने आप को रोकिए मत। हाँ। आप आज की औरत है, आप आज के जमाने में। आपको स्प्रुहा हा भी हो सकता है और आप स्प्रु रोफल भी हो सकती है। वो हमारे बाजू में रहता है रोफल। अच्छा, रोफल आपके बाजू में रहता है, ये क्रिश्चियन आदमी होगा। हाँ, वो रोज वेफर खाता है। अच्छा। और मैं उसके साथ वेफर खाती हूँ बहुत सारे। अच्छा। और तो अभी ऐसा हो गया है, वेफर खा के ना खूब जाड़ी हो गई मैं। ओ, आप जाड़ी हो चुकी। हाँ। है, वेट लॉस प्रॉब्लम्स हो रही है आपको? हाँ, तो मेरे को किसी ने बोला कि सोनू मोनू ना है कोनी। अच्छा। वो पतला हो गया। मोनू कोई नहीं है, मोनू में ऐसा वो, ऐसा कोई आदमी मतलब सोनू नाम का आदमी। अच्छा, सॉरी, मैं ऐसा समझ में नहीं आता कभी कभी, मैं तो रीजनल लैंग्वेज बट मराठी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होगी। ये तो तुम हिंदी बोल दो बस, तुम मराठी पे मत कूदो। राहु दिया? नहीं नहीं, बस तुम ही राहु दिया।
तुमने तो बहुत बड़ा रॉफल कर दिया अभी। रॉफल तो उसको भी नहीं आती मराठी। अच्छा हाँ, पर वो मेरा वेफर वाला दोस्त है। अच्छा हाँ, तो अभी आप मेरे को बोलो, देखो मैंने जिम ज्वाइन किया है अभी। अच्छा। आपने कहा ज्वाइन किया जिम? तुमको जिम नहीं समझता वो लेजिम वाला? नहीं जिम, ओ माय गॉड, तुम मराठी स्टीरियोटाइप कर रहे हो तुम। नहीं जिम मतलब मराठी में जिम होता है, लेजिम फ्रेंच में होता है, लेकिन लेजिम तो उसको बोलते है अपना राजमा चावल वो सब उसमें डालते हैं। आई एम सो सॉरी, इसको बिल्कुल हमारे कल्चर्स के बारे में पता नहीं है, इसने हाँ। कभी स्कूल में पढ़ा नहीं था। तुम जैसे बड़े महाराष्ट्र में पैदा हुए थे? मैं महाराष्ट्र में हो गया हूँ मैं, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज बॉम्बे में ही आके सेलिब्रिटी बनते हैं। ओके हाँ, और मैंने सुना है कि आप भी जाड़े थे और आप अभी मुंबई में आके ही पतले हुए हैं। देखिए देखिए मैडम, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं स्प्रुहा जी, लेकिन सोनू को जाड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में डील है कि वो शब्द उसे काफी दर्द देता है। तो हाँ जी, देखिए आप बोल सकते हैं मैं थिक हूँ काफी हद तक, क्योंकि थिक इज इन जी। हाँ। मेरे पास भी वेट लॉस प्रॉब्लम हुई थी काफी हद तक, लेकिन मैंने उनको ओवरकम कर दिया पैसे से। सो प्लीज, अगर आपके पास पैसे होंगे आप ऑटोमेटिकली थिन हो जाएंगी। देखिए आप नोटिस करेंगे दुनिया के सारे अमीर लोग काफी हद तक थिन होते हैं। आपने अंबानी के बेटे को तो देखा होगा, एक पॉइंट था जब उसकी मम्मी उसके साथ सोफे पे बैठती थी और मम्मी ऐसे ऊपर हो जाती थी। आज और कभी कभी उसकी मम्मी उन पे बैठती थी, क्योंकि वही सोफा, वही सोफा। हाँ जी, पर वही ना, ता का है, मेरे पैसे ओवर हो गए ना। अच्छा, तो ओवर कम कैसे करूँ मैं अभी? देखिए आप क्या करिए, अगर आपको चलते फिरते रिक्लाइनर सीट से आपको एक सेक्सी स्लीक ऑफिस चेयर बनना है तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। आप वैसे काम क्या करती हैं? मैं ना जो जिम में जाती हूँ ना, उधर ही कचरा काटती हूँ। अरे आप, अच्छा आप जिम में ही कचरा काट रही हैं? तो देखिए, अगर आपको आप एक बिजनेस शुरू करें जहाँ पे आप एटलीस्ट 4 जिम का कचरा क्लीन अप करें और फिर धीरे धीरे अपना एक कचरा साफ करने का एक एम्पायर बना दीजिए। जस्ट बिकॉज आप कचरा साफ कर रही है इसका मतलब यह नहीं कि आप एंटरप्रेन्योराइजेशन नहीं कर सकती। अच्छा, तो कहिए मेरे साथ कहिए, एंटरप्रेन्योराइजेशन। एंटरप्रेन्योराइजेशन, प्लीज बी एन एंटरप्रेन्योर। और इस पे टाइम वेस्ट करना है आपको बोलने के लिए? नहीं, अगर वो पता नहीं उनको क्या बनना चाहती है तो पहले बोलना तो सीखना पड़ेगा ना। बिजनेस वुमन, बिजनेस वुमन, बिजनेस। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा, चलो इंग्लिश तो ठीक हो रही है तुम्हारी। नाइट क्लासेस का सवाल था, नाइट क्लासेस। तो आप बिजनेस वुमन बन जाइए। अच्छा हाँ जी, तो आप बिजनेस वुमन बन के पूरा का पूरा एक फॉर्म इकट्ठा करिए, अपने सारे की सारी फ्रेंड्स को बोलिए कि आपके फॉर्म में आके आपके साथ एक कटिंग का पूरा हिसाब करिए, आप एक यूनियन बना दीजिए और फिर सारे के सारे सिटी के सारे जिम्स अपने अंडर ले लीजिए क्लीनिंग सर्विसेज से। आपके पास पैसे हो जाएंगे, आपके सारे फ्रेंड्स आपके एम्प्लॉयज हो जाएंगे और आप पातड़ी हो जाएंगी। तो ये कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की बात की है, बहुत ही अच्छी है ये बात। हाँ, हमें काफी अच्छा लगता है जब कोई अपने आप से एक बिजनेस शुरू करवाती है। यस, आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। अंडा पाव बनती हूँ मैं। नहीं, अंडा पाव मत बनिए, फिर आप समझ रही नहीं है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर, अन्नपूर्ण। तुम कन्फ्यूज मत करो प्लीज, तुम ऐसे तुम अभी खींच रहे हो बेचारी लेडीज की। सॉरी, काफी हाँ, हमें आप मेरे को बिजनेस वोमन, बिजनेस वोमन, बिजनेस वोमन, ये करते मी बिजनेस करते। हाँ, बी आई जेड जेड एन आई एस 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 वोमन, बिजनेस वोमन, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू एम ए एन, डब्ल्यू ओ ओ एम ए एन, वोमन ईरानी। नहीं, वो वोमन ईरानी है, वोमन ईरानी अलग होता है। अगर वोमन ईरानी औरत होता तो उसको बोलते हैं वोमन ईरानी। तुमने इतना झाड़ दिया ऑलरेडी नॉलेज सोनू, उनके सामने फर्म बोल के उनको पहले से पता नहीं कि उनको क्या बनना है। अच्छा, तो तुम्हें अगर लोगों की हेल्प करनी है शो पे तो थोड़ा सिंपल बनो, लोगों के लेवल पर आके। देखिए उनके लेवल पे, हाँ आपके लेवल पे आपकी मदद की है मैंने। हाँ। आप जो काम ऑलरेडी कर रही है उसको हाँ। बड़ा कर दीजिए। तो रिपीट हाँ। कीजिए। बराबर, अभी तो मैं जिम जाऊंगी, जिम में जाके मैं अंडा पाव का स्टॉल लगाऊंगी। हाँ जी, तो अंडा खा के सब फिट हो जाएंगे और मैं भी पतली हो जाऊंगी। ये कहा था तुमने? हाँ हाँ, यही यही कहा था मैंने। मैं तो हमेशा यही टोकाइजेशन करता हूँ। तो फिर तो
चिंता की बात क्या है, आप जाइए, आपकी लाइफ आपको जैसे लगती है प्रोग्रेस हो सकती है, आप यही प्रोग्रेसाइजेशन करिए। आप आओ हमारे जिम पे, हाँ जी, खाने को जरूर जरूर, पवन दादा को भी लेके आना। हाँ जी पवन, नहीं हम थोड़ा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे, तो हम भी अपना ऐप सर्जरी करवाएंगे दोस्तों। ठीक है ठीक है। तो स्प्रुहा जी आपने कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे को और, अच्छा लगा। और आपका अंडा पाव का बिजनेस चलता रहे हमेशा के लिए, और आप खुश रहे हमेशा के लिए। इसी के साथ हमारा समय हुआ समाप्त। थैंक यू, बाय बाय। मैं बहुत कोशिश की इसे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, लेकिन मुझे इतने दिनों बाद काफी हंसी आई। मेरे जबड़े दर्द कर रहे हैं। जबड़े दर्द कर रहे हैं जी? हाँ। तुम्हें दिखाना चाहिए डॉक्टर को। हाँ, शायद से मेरा गुटका चबा चबा के हालत हो चुका है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास। सोनू अपना एस्बेस्टोस और सिलिकॉन फिल करवाएंगे वापस अपने एब्स में। हाँ जी। और मैं अपने जबड़े को ठीक करवाऊंगा। आप अपना प्यार और अपना पैसा बेचते रहे हमें शो के लिए, और yes, हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। मैं हूँ पवन कुमार, आपका सूत्रधार। और मैं हूँ सोनू, एनपीओ बॉक्स नंबर 6342, चंडीगढ़, बल्ले बल्ले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अपना पैसा आप प्लीज कैशियर चेक में भेजिए, और डिमांड ड्राफ्ट में भी। थैंक यू। सम टाइम अगो 5 सक्सेसफुल रेस्टोरेंटियर्स केम टुगेदर टू फॉर्म द कोलाबा कार्टेल। द फाउंडर्स ऑफ द टेबल, गौरी देवी दयाल एंड जे यूसुफ, पार्टनर्ड विद द फाउंडर्स ऑफ वुडसाइड इन, Abhishek Honawar, Pankil Shah, and Sumit Gambhir to open a new restaurant in Colaba. If you've ever dreamed of opening a restaurant or love eating out, you want to listen in. The Colaba Cartel. This exclusive 10-part series is hosted by Gauri Devi Dayal and Amit Doshi. Catch new episodes of The Colaba Cartel every Monday and Thursday on the IVM Podcasts app, website, or wherever you get your podcasts. Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do, and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal, but three? One of them was seen, but two were unseen. Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience and constitutional law, so that their insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer.